बौद्ध धर्म जो है कई कंट्रियों ने अपना लिया है, अमेरिका, जापान, बहुत सारी, चाइना वगैरह जैसी, लेकिन इंडिया में आज भी इतना प्रचलित नहीं है बौद्ध धर्म। उसका क्या विशेष कारण है? विशेष कारण बता दूं भाई? जी बिल्कुल बता दूं। बौद्ध धर्म सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी है ना, वो नेपाल में प्रमुखता से है, श्रीलंका में है, बर्मा में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, लाओस में है, वियतनाम में है, ताइवान में है, हांगकांग में है, सिंगापुर में है, चीन में है, मंगोलिया में है, उत्तरी कोरिया में, दक्षिणी कोरिया में, जापान में, फिलीपाइन में, आपका मलेशिया में, इंडोनेशिया में, इतने सारे, ये तो बुद्धिस्ट कंट्रीज ही हैं, और जहाँ पर वो प्रोमिनेंट है वहाँ और भी ज़्यादा है। भारतवर्ष में अगर बौद्ध धर्म नहीं बढ़ रहा या बौद्ध धर्म बढ़ता नहीं दिख रहा, तो उसका एक ही कारण है कि भारतवर्ष में ब्राह्मण इसको खत्म करने में लगा है। बाहर ब्राह्मण नहीं है, इसलिए बौद्ध धर्म की जिंदाबाद। भारतवर्ष में अगर ब्राह्मण है उसकी वजह से हो रही है इसकी मुर्दाबाद। जिस दिन ब्राह्मण को अकल आ जाएगी या हम लोग ब्राह्मणों के हथकंडों पर पानी फेर देंगे, उस दिन भारतवर्ष दोबारा सोने की चिड़िया नहीं, अब सोने का हाथी बनने को आतुर है, तैयार है। तो इस देश में जो जंतु ब्राह्मण नाम का जंतु है, इसी ने बौद्ध धर्म की उपलब्धियों पर पानी फेरा हुआ है। मगर हम बाबा साहब के मानने वाले हैं तो हम तो करें, हमारे पास जो सीमित साधन है, अब तो हमारा ये जो मीडिया है, अल्टरनेट मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये आ गया है, हम ऐसे मुद्दों को उछालें ना। मगर नहीं, यहाँ के अखबार नहीं उछालेंगे। यहाँ तो बौद्धों को कम करके दिखाया जाता है, षड्यंत्र करके कम करके दिखाया जाता है। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का अंग माना जाता है, मगर बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर कानूनी प्रतिबंध भी लगा हुआ है। तो इस तरीके के षड्यंत्र खाली भारतवर्ष में है, इसलिए भारतवर्ष में बौद्ध धर्म लगता है कि बढ़ नहीं रहा। जबकि असलियत यह है कि बौद्ध धर्म के अंडरकरंट इतनी ज़बरदस्त है, सरकार अनुकूल नहीं, प्रशासन अनुकूल नहीं, मीडिया अनुकूल नहीं, न्यायपालिका अनुकूल नहीं, इस देश के नेता, हमारे नेता अनुकूल नहीं, और फिर भी रोज बौद्ध दीक्षा के इस कार्यक्रम इस देश में धड़ाधड़ हो रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि हम लोग सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं, हम लोग विपरीत हालात में भी अनुकूल हालात, बौद्ध धर्म के अनुकूल हालात बनाने में सफल हो रहे हैं। सारे देश में बुद्ध विहारों की बाढ़ आई हुई है, सारे देश में बौद्ध भिक्कुओं की बाढ़ आई हुई है, सारे देश में बौद्ध विवाह पद्धति से विवाह कराने का एक चलन बन गया है। तो ये लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं, बहुत जल्दी ब्राह्मण के घुटने थकने वाले हैं, और जिस दिन ब्राह्मण के घुटने थक जाएंगे, उस दिन हमारा जो बौद्ध धर्म का प्रगति रथ है वो अपनी पूरी गति से चलने लगे।